फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आटा रोटी का एंड ये है आज भिंडी फ्राई बनाएंगे, ठीक है, रोटी के साथ। और इसको मैं कटिंग करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा नाश्ते का, लाइक ब्रेकफास्ट का। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो ये तो कटिंग हो गई, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ बन रहे हमारे पराठे। आरंभ हुए तक अपन इसको लेड लगा के रख देंगे, ठीक है, जब तक अपन बनाएंगे पराठे। चलो लाइट फिर चले गई गाइस हमारी आज सुबह सुबह। चलो गरम गरम, और अभी मैं नाश्ता करूँगी। ब्रेकफास्ट है भिंडी आलू फ्राई एंड पराठे। तो ये मेरा नाश्ता है। तो किड्स ना हमारे सुबह में नाश्ता करके स्कूल को चल जाते। चलो अपन ब्रेकफास्ट करेंगे। ये है शक्कर की रोटी और मेरी एंड डाली की फेवरेट है ये। फिर लाइट चले गया, देख सकते हैं आप लोग, मतलब लाइट इतना सता रही। विंडो खोल के बैठे हम लोग नाश्ता करने, यहाँ से थोड़ी हवा आती, ठीक है। अब मैं ये छोटे प्लांट को ना हमारे पानी डाल रही हूँ गाइस। तो अभी बनाएंगे चाय नाश्ते के बाद की चाय। और आजकल ना मैं चाय की पत्ती दूसरी यूज़ कर रही हूँ गाइस, बहुत अच्छी है ये। एंड जितनी बारीक चाय की पत्ती रह रही ना उतनी अच्छी, मतलब अपन को तो एक्सपीरियंस है चाय पी पी के। स्ट्रॉन्ग दिख रही है मेरे को चाय थोड़ी, तो बस चेंज करते रहती हूँ मैं चाय की पत्ती हमेशा। ब्लॉग की जान भी चाय है, हमारी जान भी चाय है। वेदर दिखाती हूँ मैं आप लोग को आज गाइस। आज वेदर बहुत ऑसम है। नाश्ता हो गया, चाय हो गई, सोप हो गई। और ये लास्ट व्लॉग में दिखाई थी ना मैं आप लोग को, ये पलंग यहाँ पर था, इसके ऊपर थोड़े चीज़ें सुखा रहे थे ना हम लोग। तो उसके बाद मैं शोएब को वहाँ से पलंग उठा के मैं अंदर रख दो बोली, तो शोएब नहीं रखे, बस यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए। इस मतलब दो दिन से बोल रही मैं, अब ये लास्ट बार बोली शोएब को। अब व्लॉग देख के तो भी रखना, नहीं तो मैं उन आने से पहले मैं ही रख दूँगी, ठीक है। तो चलो गाइस व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। देखो धूप आ रही जा रही, देख सकते हैं आप लोग। गर्मी भी ऐसी हो रही, लाइट भी ऐसी सता रही, और क्या होता है कि अपना हैदराबाद में। चलो दूसरे काम करेंगे अपन। और घर तो साफ हो गया, बस थोड़ा क्लीन करना है। ये पिल्लोस है ना, यहाँ रखती हूँ मैं एक दो, कोई भी बाहर से आते ना लेटने के वास्ते। तो ये भी पिल्लो अपन लगा देंगे, और ना ये जल्दी ख़राब हो जाते यार ये पिल्लोस, जल्दी ना ऐसे टेढ़े हो जाते लोग। खुले ना, टाइट हो गए इसके, मैं वॉश करते रहती ना खिड़कियों को भी, तो टाइट हो गई है। खुल जा भाई, एक ही खिड़की खुल रही मेरे हाथ से, यस, और एक खुल गई। मैं ज़्यादा खुला नहीं रखती बिकॉज हमारे सामने घर है। वो पलंग जो शोएब ने डाले ना, हाथ डाल के दिखाती, जब आते ना शोएब व्लॉग देखते ना, जब मालूम होता अरे सलमा तुम कर लिए पैसा उठा लिए बोलते, बिकॉज बोलने से अच्छा अपन कर लेना। ये अंदर लाई, उठा के इतना हैवी है भाई। बहन जो हाँ बहन थे शायद, उन्होंने उसका प्राइस पूछ रहे थे, 1500 तक लिए थे हम लोग, बहुत दिन हो रहा लेके। ये किड्स के वास्ते बहुत अच्छा है, और कोई आए तो ऐसे अपने दीवान खानों में डाल सकते, तो ये दीवान खाने में भी अच्छा रहता कोई आए करे तो बैठने। अब इसमें मैं गद्दा डाल के इसको सेटअप कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़े बहुत जाले आ गए, देख सकते हैं आप लोग। जो भी है मैं वो दिखा देती हूँ भाई, हमारे मिडिल क्लास लाइफ में क्या क्या हो रहा,
ठीक है, बस थोड़े थोड़े जाले हैं वो भी निकाल देंगे अपन, कल करेंगे इसका काम सेटअप आज। कर दिए मैं, तो किड्स पढ़ने भी अच्छा रहता है और कोई यहाँ बैठने भी अच्छा रहता है यहाँ पर। तो मैं कवर डाल दी, एक गद्दा डाल दी यहाँ पर, तो मस्त हो गया। एंड बस दो सोफे, ज़्यादा कुछ भी नहीं रखी मैं, पसारा इधर सिंपल रहना अच्छा रहता है यहाँ पर। तो बस ये दो सोफे हैं और ये एक फोल्डिंग पलंग है। तो चलो अपन मिल लो, ये दो क्यूट से देखो बच्चे। गंदा हो गया पूरा, चेंज करी ना मैं, यहाँ पर पलंग था जो लेके चले गई ना, तो पूरा झाड़ू मारी। तो अब अपन पानी डालेंगे, ये नल देखे आप लोग कितना बारीक। अपन के मिडिल क्लास फैमिलियों में ये सब चलता भाई, अपन एडजस्ट कर लेते। इसको लेके बैठी ना शाम हो जाती है। अगर गाइस रोज पोसती हूँ तो भी फिर भी ना हमारे टीवी पे फिर भी आते रहता डस्ट। भी देखो क्लीन छकाछक हो गई टीवी। तो अपन डन ये काम, अब करेंगे अपन होती मानो एक हाथ से पोछना और एक हाथ से पकड़ना। चलो कॉलिन से मैं पोछ के मिलती हूँ आपसे। इसको भी अपन क्लीन कर लेंगे गाइस। गाइज ये आप लोग भोजन है पूछते, एक ग्लास कान से लिया, देखो पीछे से ऐसा काम कर रही है, बहुत क्यूट है, देख सकते हैं। इसको वॉश करेंगे अपन, हमेशा मैं इसको पोछते रहती थी लेकिन आज इसको अच्छे से वॉश करेंगे अपन। ठीक है चलो, धूप देखो कितनी तेज है। अली को मैं नीचे छोड़ के आई, ये देखो आसमान दिख रहा, यहाँ रख दी मैं। चलो अपन जाएंगे, अली रो रहे। तो गाइज देख सकते घर पूरा क्लीन हो गया। अभी चिकन वालों को फ़ोन करी मैं, चिकन लेके आओ बोल के, बिकॉज शोएब को दिल भर रहा था आज खाना। तो कुछ स्पेशल बनाएंगे आज, दावत जैसा स्पेशल कुछ बनाएंगे अपन, तो मज़ा आता। ओके तो अभी फ्रेश हो के आ गई मैं, नमाज़ पढ़ेंगे अपन, नमाज़ पढ़ के लंच बनाएंगे। ठीक है चलो। मैं चिकन का सालन बना रही हूँ, तो पहले ऑनियन फ्राई कर लेंगे। तो लंच का टाइम हो रहा, थोड़ा करंट नहीं था ना, पावर नहीं था ना, तो पावर जा रहा आ रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था। तो अभी फाइनली लाइट आ गई, तो थोड़ा देर हो गया लंच बनाने, बट अपन बनाएंगे फिर मिलते हैं। विथ ऑयल में आलू भी फ्राई कर ले रही गाइस, आलू फ्राई हो गए तो अपन इसको निकाल लेंगे। फ्राई हो गए और यहाँ पर ऑनियन फ्राई हो गए, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे अपन। ऐसी भी शोएब को इतनी पसंद, इतनी पसंद, ये घर में आए जब से हम लोग कितने की बार बना डाले। अब मैं यानी लास्ट टाइम बना रही हूँ गाइस, इसके बाद में मैं नहीं बनाती हूँ ये रेसिपी, बिकॉज ना मैं बहुत बार खा ली है टेस्ट। मैं हमेशा बोलती दूसरा बनाती हूँ, बोले तो नहीं उनको ये पसंद, जो भी चिकन का सालन बोलती ना, तो ये वाला मसाला वाला आलू डाल के इसके अंदर ऐसा बनाओ बोल के पीछे पड़ जाते। तो मेरे को नहीं पसंद लेकिन शोएब को ये रेसिपी पसंद। चलो अब खाना पड़ता, क्या करते, कल तो ना परसों तो ना मेरी फेवरेट बनाऊंगी। अब ये घर में न्यू हस्बैंड का लास्ट टाइम है ये रेसिपी, तो नहीं बनाती मैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करेंगे। आज के व्लॉग में मैं ज़्यादा बोल दी आप लोग को, लाइट जा रही, लाइट जा रही, बिकॉज जा रही तो जा रही बोलो। ये है चिकन, तो चिकन को मैं अच्छे से वॉश कर दी, ठीक है। तो अपन इसमें मिलाएंगे पूरे मसाले, तो ये डाल दी मैं गर्म मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची, नमक जो डालते हैं अपन वो, और ऑनियन। तो ये मिक्स करके मैं आपसे मिल, थोड़ा गरम मसाला डाली मैं, वाव जबड़ा सुछर रही है। अब इसके बाद में अपन जो मैरिनेट करके चिकन रखे थे वो डालूँ। चिकन बन गया, तो ये आलू फ्राई करे थे ना अपन, इसमें डाल देंगे। तो ऑलरेडी मैं इसमें पूरे मसाले में सब चीज़ें डाल दी थी मैं, बस दही नहीं डाली। लास्ट में अपन इसमें नींबू डालेंगे, टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। दाल और इधर बन रहा चिकन का सालन, तो जल्दी जल्दी कर रही थी मैं। तो चलो गाइस फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ बाद में। तो ये मिर्ची पीसना ना बहुत बड़ा काम है मालूम गाइस। अब हमारी बिल्ली भी पुकार रही, उसको भी ढांस लग रही, उसको भी ना खांसी आ रही। ये मिर्ची का पाउडर जब पीसते ना खतरनाक, तो हो गई थी है। तो मैं सोची अली उड़ गए, इसकी आवाज़ से अली उड़ गए, बिल्ली भी आके पुकार रही। तो ये सालन बन गया, इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स इससे ना रेसिपी बहुत अच्छी होती गाइस, स्पाइसी
शोएब को पसंद, तो स्पाइसी बहुत अच्छा बनता है। बस पानी सूखना है, बन गया ऑलमोस्ट चिकन का सालन। खड़ी दाल जो अपने हैदराबाद में फेमस है, ये बन गई ऑलमोस्ट। थोड़ा पानी है इसमें, सूख जाना है। तो ये मेरे को दाल ये बहुत पसंद, तो चिकन फ्राई शोएब खाते अपन ये दाल खाते, बिकॉज मेरे को बहुत ही फेवरेट है। चिकन भी खाते लेकिन ये मेरी दाल फेवरेट है, बचपन से फेवरेट है। फेवरेट है ज़रूर बताना, ठीक है। लुक दिखाती हूँ चिकन का सालन का। तो ये भी दाल ऑलमोस्ट बन गई, ठीक है। फाइनल लुक दिखा दी मैं, तो अभी लंच करेंगे यम्मी वाला। ये खड़ी दाल एंड मसाला वाला चिकन और वाइट राइस, तो आइए खाना खाएंगे। तो आज का लंच है ये। तो गाइस देखो 5 o'clock हो रहा, धूप देखो कितनी तेज़ है। तो हम लोगों का लंच वगैरह तो हो गया ऑलमोस्ट कब की। तो किड्स भी हमारे स्कूल से आ गए, तो स्टडी टाइम है, अभी लोग को पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा 5 बज रहे, तो अभी ऊपर ना मैं आईना जो धो के रखी थी ना वो लाना था, तो वो लेके आएंगे। वाली खेलने में बिजी है नकलीबा के साथ, ये धो के रखी थी ना भूल गई, और धूप में आराम से मस्त सूख गया। बहुत लोग आप मेरे को पूछ रहे हैं आप कहाँ रहते हैं। प्लीज़ मैं हैदराबाद में रहती हूँ, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगी, और मेरे को मिलने की भी ख्वाहिश है। मतलब इतने चीज़ में मैं इतना अचीव कर ली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मतलब मैं जो रियल हूँ ना गाइस, वो आप लोग को पसंद आता, जो मैं जो दिखा रही हूँ वो पसंद आता। मैं सब बनावट करके कुछ भी नहीं करती हूँ, जो खा रहे हम लोग वो दिखाती हूँ। लाइक एक मिडिल क्लास की फैमिली कैसा चलती ना, वो दिखा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। ये चाय है, चाय पीएंगे, ठीक है। इवनिंग की चाय है हमारी, चाय ठंडी हो गई। और अली आ रहे अभी ऊपर खेलने के वास्ते। देखे एक हाथ से फ़ोन है, एक हाथ से खेल में, जो भी देख रहे हर चीज़ में परफेक्ट है। ये देखो हमारा कॉक कहाँ जाके अटका। इंडियन फैमिली में ना बाजू को लोगों के घर में जाके गिर गया, लोगों के झाड़ों में। हाँ चलो आंटी, मैं मिलती हूँ आपसे लेके। आंटी नहीं है और लॉक है उनके घर को, कोई भी नहीं है, तो शोएब निकालने की कोशिश में है। फाइनली आ गया। तो गाइस मगरिब होने आ रही है, अब अपन करेंगे ये क्लोज, बिकॉज ना मेरे को सिप लगाना ही पसंद। अपन खिड़की बंद कर देंगे। तो गाइस टाइम देख सकते हैं 6:03 हो रहे। गाइस ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो टाइम 6 बज गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जाऊंगे मैं, दूसरे काम है। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, ना फिर मिलती हूँ ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। ज़रूर मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना। व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़ गाइस।